गौसव चल समारोह में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने की घटना को हिंदू उत्सव समिति ने गंभीरता से लिया और आपातकालीन बैठक बुलाकर मुख्य चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा। सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष संजीव शर्मा आदि हिंदू संगठनों ने दशहरी के अवसर पर दुर्गा उत्सव चल समारोह में पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने की कड़ी निंदा करते हुए श्री बालाजी मंदिर में आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि दशहरे पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया उसमें दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाए। प्रशासन ने आचार संहिता के नाम पर झांकियों के चल समारोह को अव्यवस्थित किया, उन्हें विदिशा से हटाया जाए और सस्पेंड किया जाए। कलेक्टर एसपी एसडीएम सिविल लाइन एवं कोतवाली थाना प्रभारी को विदिशा से तत्काल हटाने की मांग की गई। इस निर्णय के बाद सभी लोगों ने मुख्य चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा जिसमें बताया कि दोषी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को हटाने के साथ ही जिन लोगों पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं वे वापस लिए जाएं, साथ ही ढोल आदि जब्त किए हैं वे वापस दिए जाएं। विदिशा के ऐतिहासिक दुर्गा उत्सव चल समारोह को पुलिस प्रशासन द्वारा कलंकित किए जाने से संपूर्ण समाज में रोष व्याप्त है। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया उसमें दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। नंबर दो, प्रशासन ने जो आचार संहिता के नाम पर झांकियों के चल समारोह को अव्यवस्थित किया उन्हें शीघ्र निलंबित करने के साथ में स्थानांतरित किया जावे। कलेक्टर पुलिस अधीक्षक एसडीएम थाना प्रभारी देहात कोतवाली शीघ्रता से जिला विदिशा से इनको हटाया जावे। और चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण यह है, अतः यदि उपरोक्त प्रस्ताव पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं की जाती है तो संपूर्ण हिंदू समाज विदिशा अनिश्चितकालीन विदिशा बंद एवं आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। भवानी की जय दुर्गे महारानी की। सुनो भैया, एक बार।